नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके इंस्टीट्यूट थ्योरी 01 चैनल में। तो आज मैं आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। पद का जो है सूरदास जी द्वारा लिखित चैप्टर का नाम पद है हिंदी में। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जो बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड में कई बार इसमें से आते हैं क्वेश्चंस, मतलब वैसे। तो स्टार्ट करने वाला हूँ पहला चैप्टर। सूरदास जी का जीवन परिचय भी बहुत आता है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो जीवन परिचय का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। चलो स्टार्ट करता हूँ सीधा चैप्टर। तो क्या है, चरण कमल बंधो हरि राई, चरण कमल बंधो हरि राई, जाकी कृपा पंग गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले श्री छत्र धराई, सूर स्वामी करुणामय, बार बार बंद होते ही पाई। तो आपके पास अगर है अगर बुक, तो बुक लेकर बैठें तो ज़्यादा समझ में आएगा, और ऐसे देखने से वीडियो कोई फ़ायदा नहीं है। आप बुक लेकर अगर देखेंगे तभी आपको पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। तो बिना बुक के आप, वैसे कोई मूवी थोड़ी है कि आप देख लोगे याद हो जाएगा। पढ़ाई पढ़ाई के लिए कुछ ज़रूरी है पेन और कलम और पेंसिल लेकर बैठे हैं, जिसे जो वर्ड नहीं आ रहा है उसे आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसे कैसे पढ़ पाएंगे। खैर छोड़ो, ये सब इग्नोर करते हैं, अब बढ़ते हैं। चरण कमल बंधो हरि राई, जो श्री कृष्ण, अब यहाँ पर सूरदास जी कृष्ण जी की वंदना कर रहे हैं। चरण कमल बंधो हरि राई, श्री कृष्ण जी के चरण जो हैं कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ चरण के समान कोमल है, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अगर इनकी कृपा हो तो क्या है, पंग मतलब लंगड़ा भी क्या करता है, गिरि लांघे मतलब पर्वत को नांग सकता है, अंधे अंधे को सब कुछ दर्शाए और अंधे को भी दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने गुंग पुन बोले, बहिरा भी सुनने लगता है और गुंगा भी बोलने लगता है, कितनी अजीब बात है ना। और रंग चले श्री छत्र धराए, और रंग चलने, रंग ऐसे चलता है जैसे अमीर आदमियों के पीछे आदमी छतरी लेकर चलता है, उस तरह चलने लगता है, सूर स्वामी करुणा में, अगर श्री सूरदास जी कहते हैं, अगर श्री कृष्ण जी इतने दयालु हैं तो मैं उनकी बार बार प्रार्थना करता हूँ, बार बार बंद होते ही भाई मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। एक बार फिर देख लें, चरण कमल बंधो हरि राई, श्री कृष्ण जी के चरण कमल के समान कोमल हैं, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिनकी कृपा हो जाए, अगर इनकी कृपा हो जाए तो क्या है कि लंगड़ा भी पर्वत नांग सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगेगा, बहिरा सुनने लगेगा, और गरीब व्यक्ति के पीछे भी लोग छाता लेकर चलेंगे। और सूरदास जी कहते हैं कि अगर कृष्ण जी इतने दयालु हैं तो मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। अभिगत गति कुछ कहत ना, दूसरा जो है अभिगत गति कुछ कहत ना, इनकी गति को मैं परख नहीं सकता। तो ये किस प्रकार है, जो गूंगे मीठे फल के रस, अंतर्गति ही भाव, जैसे श्री सूरदास जी कहते हैं कि जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही बाता है, और मतलब अपने मन में ही रखता है, किसी को बता नहीं पाता है, उसी प्रकार मेरा भी यही हाल है। परम स्वाद सभी सुनिरंतर, इसका जो स्वाद है सबके सबका समान है, आम का मीठे फल का, पर अमित तो सब जाए जो अंदर है, ये जो भक्ति है ये बहुत ही परम स्वाद है, मनमानी स्वागम गोचर, इनको जो जानता है, जो बूझता है, जो जान गया जो बूझ गया वही समझ लो ज्ञानी है, रूप रेख जिगुत जात बिनु, ना इनकी रूप रेखा जात जिगुत किसी भी चीज़ का हम पता नहीं लग सकते, और ना ये सब सारी चीज़ें देखते हैं, केवल वो भक्ति देखते हैं और उसी से प्रसन्न होते हैं। सब विधि अगम विचार है ताते सूर सगम पद गावे, श्री सूरदास जी कहते हैं मैं हर प्रकार से श्री कृष्ण जी को खुश करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बाल छवि का वर्णन है, किलकति कान घुटन वन आवत, तीसरा है किलकति कान घुटन वन आवत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण जी घुटनों के बल आते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि के समान चमकता हुआ श्री नंद, नंद बाबा मतलब कृष्ण जी के पिता, नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत, वास्तव में तो नंद बाबा नहीं थे उनके पिता, लेकिन पालन पोषण उन्होंने किया था, बिंब पकड़वे धावत, कबहू निरेख हरि अपने छांव को,
वो अपनी परीक्षाएं को पकड़ने के लिए कई सौ पकड़ सौ सौ बार पकड़ने की कोशिश करते हैं। किलकत हंसत राजा तो दतिया, जब वो किलकारी मारते हैं, जब हंसते हैं तो उनके जो दो दांत बचपन के निकले हैं वो दिखाई देते हैं, और पुनि पुनि तो है औगात, और ये बार बार यही मतलब बार बार रिपीट करते हैं, बार बार यही करते हैं। कनक भूमि पर कर पक्ष आया, और नंद बाबा की इस भूमि पर, कनक मतलब नंद बाबा का नाम हो रहा है, तो कनक भूमि पर कर पक्ष आया, और कनक भूमि पर करके छाया को यह उपमा एक राजा थी, और यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। करी करी प्रतिपद प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठे थे राज, और वो उनको श्री कृष्ण जी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो धूल में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कमल पर बैठे हैं। और बाल दशा सुख निरीक्ष यशोदा, और ये बाल दशा को यशोदा जी देख करके पुनि पुनि नंद बुलात, और नंद बाबा को बुला करके यह दिखाती हैं। अचरा तय ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पिलात, और आँचल के नीचे यशोदा माता करके उन्हें दूध पिलाती हैं श्री सूरदास जी के प्रभु को, सूरदास जी ऐसा कहते हैं। तो आते हैं चौथे नंबर पे, चौथा जो है, मैं अपनी, अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी थोड़ा बड़े हो गए, अब हट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत हट करते हैं तो हट कर रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हो, मतलब मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात हो तो बाल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गैयन के भीतर कनिको डर नहीं लागत, आज न सौब नंद दुहाई रहन रहेंगे जागत, और ग्वाल सब गाय चराए हैं हम घर, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। श्री कृष्ण जी बड़े हो गए हैं थोड़ा, तो हट कर रहे हैं, बाल हट है। मैं अपनी सब गाय चरा हूँ, कह रहे हैं मैं अपनी सारी गायों को चराऊँगा, एक दो नहीं सारी गायों को, प्रात होत बाल के संग जी, और सुबह होते हैं बलदाऊ जी, बलदाऊ बड़े भैया के साथ मैं जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा यशोदा जी का। तो ग्वाल बाल गैयन के भीतर जो जो वहाँ के जो गाय चराने वाले बच्चे हैं और सारी गाय हैं, उनके पास में कहीं को डर नहीं लगा, थोड़ा सा भी मुझे डर नहीं लगता है, आज न सोव नंद दुहाए, आज मैं नहीं सोऊंगा, ये श्री नंद बाबा की कसम खाता हूँ, रहने रहेंगे जागत, पूरी रात मैं जागूंगा, और ना और ग्वाल सब गाय चरे, और सारे जो ग्वाल हैं मतलब जो बच्चे हैं गांव के, वो गाय चराएंगे, और मैं घर बैठे रहें, मैं घर में बैठा रहूँगा, ऐसे ऐसा तो नहीं होगा। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। अब क्या कहती हैं यशोदा जी, कि सुशोदास जी बताते हैं कि यशोदा जी कह रही हैं कि सुबह होते मैं तुमको जाने दूंगी, तुम सो जाओ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नई नई वीडियो कक्षा 10 के पूरी तैयारी यहाँ पर होगी। तो अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।